एमसीक्यू में मॉडल पेपर के मैथ्स के पेपर में मॉडल पेपर सॉरी मॉडल निकल रहा है मैथ्स के पेपर में जो ओएमआर शीट होती है उसमें एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है पाई इज एन या ए रेशनल नंबर के इरेशनल नंबर, चार ऑप्शन होंगे, हमने दो ही दिए हैं। ठीक है, तो जब पाई का पूछे पाई क्या है तो पाई का टिक लगाना इरेशनल नंबर, क्या लिखाओगे? इरेशनल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब ना टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं, ये भी याद रखिएगा। इरेशनल नंबर क्या होते हैं ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है। तो ऑप्शन में होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब टर्मिनेट ना हो, मतलब डिवाइड उनका ख़त्म ना हो और रिपीट होता रहे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब डिवाइड भी ना ख़त्म हो और रिपीट भी ना हो। ठीक है, इस तरह से। तो आपका जो सही आंसर होगा इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, पाई की जगह अगर इसकी वैल्यू लिख के आए 22/7, अगर कहे 22/7 रेशनल है कि इरेशनल है, तो 22/7 फिर रेशनल में टिक लगाइएगा। ठीक है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है ना, रेशनल नंबर एक्चुअल में होते क्या हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, मतलब ऊपर भी कुछ हो नीचे भी कुछ हो। अच्छा, रेशनल नंबर क्या नहीं है, विच इज़ नॉट द रेशनल नंबर, तो वो याद रखिएगा। जैसे कोई नंबर है जैसे 5 लिखा है, उसके नीचे 0 डिनोमिनेटर में 0 होगा, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, नॉट रेशनल नंबर, ना ये इरेशनल है ना रेशनल है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, किसी नंबर के नीचे अगर 0 आ गया तो इसकी वैल्यू होगी इन्फिनिटी। ये भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। हाँ, और ये भी दे सकते हैं कि 0/5 क्या ये रेशनल है, ये रेशनल नंबर है कि ये रेशनल नंबर है नहीं है, अगर 0/5 ये है, क्योंकि 0/5 का मतलब होता है 0, 0 के नीचे कोई नंबर है तो इसका मतलब 0 होता है, लेकिन किसी नंबर के नीचे 0 नंबर है, चाहे कोई भी नंबर है, 100 लिखा है उसके नीचे 0 है, या इस तरह से लिखा है 100/0, मतलब 100/0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अनलिमिटेड, कोई ये समंदर है ना बहुत बड़ा, कोई लिमिट नहीं। तो ये रेशनल नंबर, क्योंकि 0 रेशनल नंबर होता है, 1, 2, 3, 4 है ना, -1, -2 ये सब रेशनल नंबर होते हैं। क्या रेशनल नंबर नहीं होता है, बस इन्फिनिटी, जो कि कैसे बनता है, किसी नंबर के नीचे अपॉन में आ जाए, अपॉन में 0 आ जाए तो वो इरेशनल नंबर होता है, बस सीधी सी बात ये याद रखनी है। ठीक है, रेशनल नंबर की खास पहचान यही होती है कि वो टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब अगर वो डिवाइड करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे जैसे लिखा है भाई 3/5, 3/2 लिखा है, क्या लिखा है, 3/2 का मतलब क्या है भाई, 3/2 लिखा है, इसका मतलब एक्चुअल में है क्या, 2 बाहर लिखो और 3 अंदर लिखो, डिवाइड कर दो, क्योंकि इस लाइन का मतलब होता है बार बार, मतलब डिवाइड करो, और डिवाइड कैसे करेंगे, 2 1 द 2 कितना बचा, 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 द 10 ख़त्म हो गया, इसे कहते हैं टर्मिनेट हो जाना। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और रेशनल नंबर की एक ख़ास बात यह है कि टर्मिनेटिंग होते हैं, जैसे 3/10 है और 10/3 है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 10/3। अब इसका मतलब क्या है, जो नीचे है वही बाहर रहेगा, चाहे नीचे वाला नंबर छोटा है चाहे बड़ा हो, ऊपर वाला बड़ा हो छोटा से नहीं, फिर नीचे जो है वही बाहर रहेगा, चाहे नीचे वाला बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो 3 बाहर रहा, 10 अंदर रहा, हम आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 बचा 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 3 ज़ा 9 बचा 1, पॉइंट लगा हुआ है 0 अपने आप बढ़ जाए, 3 3 ज़ा 9 बच्चा 1 पॉइंट लगाए, कयामत तक ये आता रहेगा 3.333। अब देखो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है ना, डिवाइड तो कर रहे हैं लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या हो रहा है, 3 3 3 3 आता जा रहा है, इसे कहते हैं रिकरिंग, रिपीट होना, क्या कहलाता है ये, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ख़त्म तो नहीं हो रहे लेकिन रिपीट हो रहे हैं। तो जो नॉन, एक तो जो टर्मिनेट हो जाए, जैसे अभी हमने 3/2 किया था, टर्मिनेट हो गया था, तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो भी रेशनल नंबर है, जो टर्मिनेटिंग है वो भी रेशनल नंबर है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग भी है, रिपीट भी हो रहे हैं, वो भी रेशनल नंबर हैं। अब बात आती है रेशनल नंबर क्या नहीं है, इरेशनल नंबर कौन से हैं, मुद्दा ये है इरेशनल नंबर कौन से हैं, तो वो इरेशनल नंबर हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हों और नॉन रिकरिंग भी हों, मतलब रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, यानी कि नॉन रिकरिंग यानी कि रिपीट भी ना हो, टर्मिनेट भी ना हो, ख़त्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो, वो इरेशनल नंबर होते हैं।
जितनी बातें बताई इनमें से क्वेश्चन कोई ना कोई बनेगा जरूर इंशाल्लाह, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए, हाँ इंग्लिश और हिंदी पेपर में दोनों में लिखा होगा ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आ रहा है ना, एक ही में आ रहा है, हिंदी हटा दिया, ये बहुत गलत हुआ यार। हर बार ये होता था कि भाई हाँ बचत कर लें, लेकिन नुकसान हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हुआ। कोई बच्चों को यह हिंदी में नहीं समझ आता तो इंग्लिश में देख लेते थे, इंग्लिश में नहीं समझ आया हिंदी में देख लेते थे, ये दिक्कत वाली बात हो गई। चलो, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है ये याद रखिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये वाला ऑप्शन टिक लगाइएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और ये जो चीज़ लिखी होती है आगे देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका मतलब क्या है, जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो टू से हम थ्री को डिवाइड कर रहे हैं, तो टू वन द टू बचा वन, तो ये डिवाइजर होता है, डिवाइजर होता है ना, और ये डिविडेंड होता है, डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड। और ये जो बचता है ये हमारा कोशेंट होता है, क्यू यू ओ टी आई एन टी, कोशेंट, जो आंसर होता है वही कोशेंट होता है, और ये रिमाइंडर हो जाता है। तो हम जो कह रहे हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये ए जो होता है ये डिवाइडेंड, डिविडेंड है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, और इसको क्यू मान लिया, और इसको आर तो ही है, तो मतलब इन दोनों को बी क्यू, अगर हम बी क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइजर को डिविडेंड से, सॉरी डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिविडेंड आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा तो रिमाइंडर भी ऐड कर दो, तो वही चीज़ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा मतलब इसका मतलब ये कि रिमाइंडर जो है ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, डिवाइजर से छोटा होगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलो मेन मुद्दा ये याद रखो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, बचपन में पढ़ते हो गए। आगे देखो लिखा है, अब ये जो है एक ही फार्मूला, उसके पाँच छः रूप हैं, देखो सामने एक ही फार्मूला उसके पाँच छः रूप हैं, उसको देखो, एस सी एफ इंटू एल सी एम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अगर कोई क्वेश्चन आए वहाँ पे दिया हो दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आता, 20 आता, 50 आता, जो भी एच सी एफ दे दें और कहे एल सी एम निकालो, तो भी आला फॉर्म लगाएंगे। दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ भी आता है और एच सी एफ दे देंगे कि उसका एल सी एम, या एल सी एम उसका दे देंगे, कहेंगे एच सी एफ निकालो, तो भी यही फॉर्म लगाएंगे। अगर देखो दो नंबरों को प्रोडक्ट दिया हो, एल सी एम दिया हो, कहें एच सी एफ निकालो, तो एच सी एफ फॉर्मूला तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एल सी एम। फिर इसका एल सी एम का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एच सी एफ। भाई अगर ये देखो याला फॉर्मूला याद है, अगर एस सी एफ की वैल्यू निकालनी तो एल सी एम नीचे, एल सी एम की वैल्यू निकालनी तो एस सी एफ नीचे, ठीक है। उसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है एस सी एफ इंटू एल सी एम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये भी याद रखिए। उसके बाद हमारा है आगे जो दिया है, हमने फर्स्ट नंबर को हमने पी मान लिया, सेकेंड नंबर को क्यू मान लिया, बराबर एस सी एम इंटू एल सी एम, या इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, बात वही है। आप देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने दिया था, सुनो ये क्वेश्चन तुम लोग नहीं कर पाए क्या, देखो गिवन दैट एल सी एम, ये दो नंबर दिए हैं, एल सी एम जो है इक्वल टू के बाद जो लिखा होता है वो एल सी एम है, ये समझना, ये दो नंबर दिए, गिवन दैट एल सी एम ऑफ, ये दो नंबर कॉमा लगाए ना, इसका मतलब ये दो नंबर अलग अलग हैं, इनका एल सी एम क्या है ये, और कह रहे हैं एच सी एफ बताओ, बहुत ध्यान समझना, कह रहे हैं एच सी एफ बताओ। अब एच सी एफ इनका कैसे होगा भाई, यही दो नंबर यहाँ पे भी रिपीट कर दिए, इन दोनों नंबर का एल सी एम ये है, इन दोनों नंबर का एच सी एफ क्या होगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगाओगे तुम इनमें से, भाई दो नंबर दिए हैं, एक दो और दिया क्या है, एल सी एम दिया है ना, निकालना है एस सी एफ है, तो क्या निकालना है, एस सी एफ निकालना है ना। एस सी एफ का फॉर्मूला देखो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एल सी एम, या तुम याला भी लगा सकते हो, दो नंबर को मल्टीप्लाई, ये दो नंबर दिए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई इसमें रख देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के इसलिए रख देंगे, एल सी एम की वैल्यू डी भी यहाँ रख देंगे, एस सी एम निकालना है, एल सी एम नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आप यही वाला लगा लीजिए, एस सी एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एस सी एफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई करना दो नंबरों को, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एल सी एम, आपने ऐसे ही किया होगा। जो दो नंबर हैं वो कौन से दो नंबर हैं भाई, ये दोनों नंबर दिए हैं 132 इंटू दूसरा नंबर 288 अपॉन एल सी एम, कितना दिया है एल सी एम दिया है 3168, इसके बाद क्या किया आप लोगों ने,
कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है? हाँ, एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, पकड़े गए तो NSA भर दिया जाएगा काम, ठीक है ना? मोबाइल अलाउ है ना कैलकुलेटर, तो इसको करने की प्रैक्टिस करो। देखो आखिरी डिजिट इवन है, इवन फुट जोड़ा कंचे खेले ना, जो जोड़ा होता है वो इवन होता है, तो ये आखिरी में इवन नंबर है। 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कुछ आखिरी में है, या तो 0 या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो वो इवन कराता है। तो ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, सब एक दूसरे से कट जाएंगे, है ना? ये इससे कट जाएगा और ये भी इससे भी कट जाएगा। तो अगर हम जब इवन होता है तो 2 से काटते हैं। 2 से काटने का मतलब है कि इसका आधा लिखो, यूँ काटा, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। अब इसको आधा लिखोगे, 2 का आधा 1, 8 का आधा 4, इसका आधा 4, ऊपर आ गया 144, इसका आधा क्या होगा? 30 का आधा 15 हो गया, और 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 8 16, 2 4 8, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? फिर इसको काटो, 2 7 14, 2 2 4, है ना? 14 का आधा 7, 4 का आधा 2, 2 7 14 बचा 118, 2 9 18, 2 2 4, अरे 14 का आधा 7, 18 का आधा 9, 4 का आधा 2, ठीक। अब ये ऊपर है, ये नीचे है, अभी ये इससे कट सकता है, हालांकि हम इसको इससे भी काट सकते हैं। फिर अब जब तक ये इवन आखिरी में इवन नंबर दिख रहे हैं, तब तक कटता चला जाएगा। इसे काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12, 396। इसको भी काटेंगे, 2 3 2 6 12, 2 3 6, सॉरी 2 3 6, 2 6 12, है ना? अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे लिख दे रहे, गिचपिच हो गया है, 396 नीचे बचा है, ऊपर क्या बचा है, 132 याला, और 36 नीचे क्या है, 396, है ना? अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, वही चीज़ कार्टन पीटी में जाते रहो, 2 से काटते रहो, अगर बड़े नंबर से काटना आता है तो काट लो, तुम लोग के लिए 2 से काट के हम बता रहे हैं। अभी भी ये 2 से कट जाएगा, 2 18 36, उसका आधा 18 होता है, 2 1 2, 2 9 18, 2 8 16, ठीक है? अभी भी कट जाएगा, 2 9 18, 2 9 18, और 2 9 18। अब ऊपर क्या बचा, 132 × 9/99। अब 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9, 11 आ गया। अब हमारे पास 132 आ गया, कितना आ गया, 132 ऊपर बचा, नीचे बचा 11। अब 11 से इसको डिवाइड कर लो, 11 1 11, और 12 आ गया, 11 1 11, पॉइंट समथिंग आएगा, तो अप्रॉक्स 12 आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है? क्लियर है, 12 ही आ रहा है ना, 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आप कहेंगे सर पॉइंट में तो आ रहा है, पॉइंट में तो दिया नहीं है, तो 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो यानी कि 12 आंसर आ रहा है, ठीक है? क्लियर हो गई बात, ऐसे ही करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156, अगर प्राइम फैक्टर निकालना हो किसी का, प्राइम फैक्टर निकालना हो किसी का भी, तो हम क्या करेंगे, 156 का LCM, इस मतलब LCM नहीं, फैक्टर, इसे हम फैक्टर कहते हैं, LCM टाइप का होता है ये। 156 का आधा लिख दो, 156 का भाई 100 का आधा 50, 56 का आधा 50 का आधा 25, ऐसे जोड़ जोड़ के कर लो, अगर नहीं आता तो 2 7 14, बचा 1 16, 2 8 16, फिर इसका आधा 78 का आधा कितना होता है नहीं पता, तो 2 के 7 नहीं आता लेकिन 6 आता है, कितनी बार में, 3 बार में, 2 3 6, बचा 1 8 18, 2 9 18। अब ये बताओ 2 से जाएगा, क्योंकि आखिरी में 0 2 4 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, नहीं है, तो आप 2 के बाद 3 आता, 3 से ले जाके देखेंगे, 3 1 3, 3 3 9। अब देखिए 13 जो है 3 के टेबल में भी नहीं आता, ना 4 के टेबल में आता, ना 5 के, किसी के टेबल में नहीं आता ना, ये प्राइम नंबर है, तो ये 13 से ही जाएगा, 13 1 13। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, जो हमने किया भाई, जो ये नंबर लिखे हैं वही आंसर है, 2 × 2 × 3 × 13, ये प्राइम फैक्टर हो गए हमारे किसके, 156 के। क्लियर हो गई बात, देखो सारे प्राइम नंबर है ना, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, इसीलिए प्राइम फैक्टर नाम पड़ गया इसका, प्राइम टुकड़े, ठीक है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है LCM ऑफ, इन सब का LCM निकालना है। अब LCM कैसे निकालोगे, ये पेपर में आ सकते हैं क्वेश्चन, पक्का आ सकते हैं इनका LCM। देखो LCM निकालने का तरीका क्या होता है, यही सारे नंबर को एक साथ लिख लिया, 15, 18, 24, ऐसे लिख लिया हमने, कैसे लिख लिया, 15, 18, 24, ध्यान देखो ये नंबर किसके टेबल में जा रहे हैं, 3 में सब जा रहे हैं, हालांकि 2 में भी जा रहा है, एक नंबर जा रहा है, 2 नंबर 2 में जा रहे हैं, एक नंबर नहीं जा रहा है, तो आप 2 से भी शुरुआत कर सकते हैं, वरना 3 से भी कर सकते हैं, 3 5 3 6
थ्री एट था। अब देखो हालांकि शुरुआत टू से करनी चाहिए थी छोटे नंबर से, नहीं किया कोई बात नहीं। अब टू के टेबल में फाइव जाता नहीं तो फाइव उतार दिया, टू के टेबल में सिक्स आता है, टू थ्री था, टू फोर था, अब टू के टेबल में फाइव जाता नहीं उतार दिया, थ्री जाता नहीं उतार दिया, फोर जाता है, टू टू था, अब फिर टू से, जब तक एक नंबर भी जा रहा होगा टू से तब तक करते जाएंगे, टू वन था, थ्री जाता नहीं उतार दिया, फाइव जाता नहीं उतार दिया। अब इसके आगे यहाँ पे हम कर रहे हैं, जगह नहीं बची है हमारे पास, बचा टू फाइव थ्री वन, टू यहाँ पे हमने करा भाई, हमारे पास बचा फाइव थ्री वन, अब टू से नहीं जा रहा है तो हम किससे करेंगे, थ्री से, थ्री के टेबल में फाइव थ्री वन था, थ्री फाइव जाता नहीं तो उतार दिया, फाइव वन था फाइव, सब वन आ गए, जब जैसे ही सब वन आ गए तो सवाल ख़त्म हो गया, समझ गए। अब जितने भी इधर वाले नंबर हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, थ्री इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव, ठीक है यही एलसीएम हो जाएगा, क्या आया, थ्री इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू याला थ्री इंटू फाइव, ठीक है आप लोग एक ही लाइन में करिएगा, जगह नहीं थी, हमने क्वेश्चन पहले से उतार रखा था, ठीक है। तीन टू हैं, एक थ्री एक फाइव, थ्री टू दा सिक्स, सिक्स टू दा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू दा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर थ्री दा सेवेंटी टू, सेवेंटी टू के आगे फाइव है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फाइव टू दा टेन, फाइव सेवन दा थर्टी फाइव और थर्टी सिक्स, थ्री सिक्सटी आंसर आ गया। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है, थ्री सिक्सटी, क्लियर होगी बात, अरे समझ में आ गया, अगर आएगा तो कर लोगे, तो आप यही क्वेश्चन यही दिया होगा लेकिन ऑप्शन चार होंगे, सॉल्व करके करना होगा, रफ कॉलम खींच लेना साइड में या कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है जिस जब पन्ना खोलते हैं उसमें रफ हेडिंग डालना, उस पर क्वेश्चन नंबर डाल के करना और बाद में कट कर देना कि रफ वर्क था, ठीक है। हिंदी में एलसीएम के लिए आप कुछ और लिखा होगा, हाँ लिखा होगा एलसीएम भी, आप कुछ और लिख सकते हैं, आप वीडियो ढूंढ के हमारे, चलो ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत तो होगी यार, चलो ठीक है। इसको देखो डेसिमल एक्सपेंशन 131 अपॉन 121, अब क्वेश्चन का मतलब समझ जाओगे तो कर लोगे, कह रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन बताओ 131 अपॉन 120 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, क्वेश्चन का मतलब समझना है कि भाई ये डेसिमल एक्सपेंशन मतलब ये जो फ्रैक्शन दिया है इसका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जब इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, कह रहे हैं पॉइंट कितने बार कितने नंबर के बाद, पॉइंट के बाद कितने नंबर बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम इसको करके देखें, हमने बताया नीचे वाला नंबर बाहर रहता है ना, हमेशा नीचे वाला नंबर, तो 120 बाहर रहा, अंदर क्या रहेगा 131। अब 120 का टेबल अगर दो बार पढ़ोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 240 आ जाएगा, हमें लाना कितना है 131, तो वन बार में ही ले जाओ, वन बार में 120 आया, एक में से जीरो गया एक, तीन में से दो गया बचा एक, एक में से एक गया जीरो, ठीक है उतारो चाहे ना उतारो, ठीक है पॉइंट लगाएंगे अब यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, 110 हो गया, 120 के टेबल में 110 आता है, छोटा है 120 से छोटा है, तो यहाँ पॉइंट एक बार लगता है, एक ही बार जीरो बढ़ता है, अगर दोबारा जीरो बढ़ाना है तो दो बार पॉइंट नहीं लगाएंगे, दोबारा जीरो एक ही टाइम पे बढ़ाना है तो यहाँ जीरो बढ़ाएंगे फिर यहाँ एक और जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है पॉइंट लगा के एक बार जीरो बढ़ गया, अगर उसी टाइम पे दोबारा जीरो बढ़ाना है, नंबर छोटा पड़ रहा है तो जीरो यहाँ बढ़ाएंगे यहाँ भी बढ़ाएंगे, तो 120 के टेबल में 1100 आएगा, 100 का टेबल 1000, 100 का टेबल 10 बार पढ़ोगे 1000 हो जाएगा, हाँ कितनी बार में 120 है, 120 का टेबल अगर हम 10 बार पढ़ेंगे तो 10 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 2 1 1 1 0 0 ये तो 1200 हुआ जा रहा है ना, तो कितनी बार में ले जाएं, कितनी बार में ले जाओ, कितनी बार में 10 बार में ज़्यादा हुआ जा रहा है तो कितनी बार में ले जाएंगे, 9 बार में कितना आएगा 12 9 108 ज़्यादा आएगा 1080 आ जाएगा, 9 बार में 9 0 0 9 2 18 9 1 9 10 1080 आ रहा है कितनी बार में 9 बार में, अरे तो 5 बार में 10 बार में तो जा रहा था यार, 9 बार में 180 नहीं जाएगा, 120 है 20 थोड़ी ना है, 9 बार में 1080 आया, ठीक है 0 0 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 1 यहाँ पे बचा 0 0, ठीक है पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ गया, पॉइंट लगाए 0 अपने आप बढ़ गया, 120 के टेबल में एक बार में 120 आया, दो बार में 240 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इससे,
जीरो 10 में से, यहाँ 0 में से 2 जा नहीं सकता, कैरी लिया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा 1, 1 में से गया 0, लिखो चाहे ना लिखो, पॉइंट लगाए फिर 0 बढ़ गया। अब बताओ कितनी बार में जाएगा, वन 120 को अगर हम 7 से करें, 7 × 14 7 × 7 8, 840 आ रहा है ना, 6 बार में ले जाओ, कितने बार में, 6 × 12 6 × 6 7 720 आ रहा है, 720 आ रहा है कितनी बार में, 6 बार में, कितना बचा 0 का 0, 10 में 2 गया 8, 80 बचा ना, पॉइंट लगा हुआ फिर 0 बढ़ जाएगा, तो ये तो ख़त्म ही नहीं होगा यार। तो शायद इसका आंसर ये आएगा क्योंकि बार बार यहाँ से रिपीट होगा, रिकर करेगा, टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर बाद, 4 नंबर बाद, तो 4 हो गया इसका आंसर, ठीक है।